What's up everyone and welcome back to the channel. Finally, I'm back with another fresh episode. एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि मुझे घर पे रहना है, लेकिन ये एक सिंपल सी बात जो है बहुत सारे लोगों को आसानी से समझ में नहीं आती है. आप सबको पता है कि कल हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया है 21 डेज के लिए, क्योंकि जो कोरोना है ये एक ऐसी बीमारी है जिसने ग्लोबली हर देश को इफ़ेक्ट किया है. इटली जैसा देश जिसके पास इतनी ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, वो भी इसके आगे जो है घुटने टेक चुका है. तो आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे देश की जनसंख्या कितनी ज़्यादा है और ये एक चेन रिएक्शन है. आप अगर इससे जो है इफ़ेक्टेड होते हैं तो आप जो है बहुत सारे लोगों को जो है इससे इन्फेक्टेड करेंगे. अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें. गवर्नमेंट जो है आपको आदेश दे रही है लॉकडाउन होने का, उसका पालन करें. जीवन भर तो काम ही करते आए हैं ना, कुछ समय मिल रहा है अपने परिवार के साथ बिताइए, घर पे रहिए, सेफ रखिए अपने आप को. गवर्नमेंट ने बोला है कि जो भी सारी चीज़ें खाने पीने की हैं वो अवेलेबल हैं, तो आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है. पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी. आप सबको पता है कि मैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अबू धाबी में रहता हूँ और मैं भी जो है घर के अंदर हूँ. यहाँ पे भी जो है बहुत अच्छे तरीके से जो गवर्नमेंट है हम सबका ख्याल रख रही है, जो वो आदेश दे रहे हैं हम जो है उन सबको फॉलो कर रहे हैं. पूरी दुनिया जो है इस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अकेला जो इंसान है वो कुछ नहीं कर सकता. आप सबको जो है सपोर्ट करना है, सबको. किसी एक व्यक्ति का ये काम नहीं है, आप सबका ये काम है. तो अपनी जिम्मेदारी को समझें, अपनी देशभक्ति को समझें, और आपका जो कर्तव्य है अपने परिवार के प्रति, अपनी सोसाइटी के प्रति, अपने देश के प्रति, उसको जो है जरूर 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 निभाएं. अब बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में. आप सबको पता है कि जो 21 दिन का लॉकडाउन हुआ है, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी जो है इंडियन रेलवे की ट्रेन की टिकट्स की बुकिंग कर रखी थी. इंडियन रेलवे ने जो है IRCTC ने जो है अनाउंस करा है कि आप अपने ट्रेन की टिकट को कैंसिल मत कीजिए. उसका रीज़न ये है कि अगर आप जो है कैंसिल करेंगे ऑनलाइन जाके, तो आपको जो है कैंसिलेशन चार्जेस लगेंगे. जो पूरा अमाउंट आपने पे किया था वो पूरा अमाउंट आपको नहीं मिलेगा. आप जो है वेट कीजिए. जो भी ट्रेन्स कैंसिल हुई हैं, जो भी सस्पेंड हुई हैं, उसका जो है आपको पूरा रिफंड मिलेगा. तो प्लीज़ आपने अगर जो है अपने ट्रेन की टिकट की बुकिंग करी थी, आप उसको कैंसिल करवाने के लिए सोच रहे हैं, तो प्लीज़ आप जो है उसको कैंसिल मत कीजिए, क्योंकि अननेसेसरी उस पर जो है आपको चार्ज लगेगा. IRCTC जो है आपके बैंक अकाउंट में जो आपका अमाउंट आपने पे किया था उसको वापस क्रेडिट कर देगी. अब बात कर लेते हैं, अगर आपने ट्रेन की टिकट की बुकिंग करी थी काउंटर पे जाके, तो उसको भी जो है एक्सटेंड कर दिया है नेक्स्ट 3 महीने के लिए. 21 जून तक का टाइम आपके पास है. तो आप जो है पैनिक मत होइए, रश में मत रहिए, आराम से आपके पास टाइम है. जब भी आपको मौका मिले काउंटर पे जाके जो है आप उसको कैंसिल करवा सकते हैं. 21 जून तक का समय जो है आपके पास है. इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता लग सके, और वो जो है रश में अगर वो अपनी कैंसिलेशन करवाना चाहते हैं टिकट की, वो उसको ना करवाएं, क्योंकि पूरा अमाउंट जो है ऑटोमेटिकली IRCTC आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगी. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मेरे को आप सबसे पूछनी है, क्या आप भी नियम को फॉलो कर रहे हैं? क्या आप घर पर हैं, लॉकडाउन है? प्लीज़ मेरे को जो है कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा. मैं जो है आप सबके कमेंट का वेट करूंगा. अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें. चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें. रेड कलर का एक बटन है उसको ज़रूर दबाएँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ. उससे होगा ये कि मेरी जो भी वीडियोज़ अपलोड होंगी उसकी नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुँच सकेगी सबसे पहले. जल्दी मिलूंगा मैं आपसे अपने अगले वीडियो में बहुत ही धमाकेदार इन्फॉर्मेशन के साथ. तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम.